हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जीनल और जीनल्स किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोरियन वेजिटेबल पोटैटो पैनकेक्स बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम एक बाउल में लेंगे 2 कप आलू, जिसको मैंने इसे पतले पतले लंबे लंबे काट दिए हैं। यहाँ मैंने इसको अच्छे से पानी में धोकर लिया है। यहाँ पे मैं डालूँगी 1/4 कप मैदा और 1/3 कप कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी, नमक स्वाद अनुसार और 2 टेबलस्पून पीसी हुई काली मिर्च। इसको डालकर इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम एक पैन को हीट कर देंगे और जैसे ही वो हीट होगा हम उसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब हम इस बैटर को इवनली स्प्रेड कर देंगे। इस तरह मैंने इसको इवनली स्प्रेड कर दिया और जहाँ जहाँ भी मुझे लगा कि थोड़ा गैप है वहाँ पे मैंने थोड़ा मिक्सचर ऐड कर दिया और इसे एक पैनकेक का रूप दे दिया। और इस तरह हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे एकदम हल्के हाथों से और इसके बाद हम इसको लिड से कवर करके इसको 10 मिनट्स तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे। टेन मिनट्स हो गए हैं तो अब हम इस लिड को ओपन कर देंगे और इस पैनकेक को फ्लिप कर देंगे। आपको फ्लिप करने के वक्त ध्यान रखना है कि इसे बीच में से पकड़ कर फिर फ्लिप कीजिए, वरना ये टूट सकता है। इसके बाद हम वापस दूसरी साइड को 10 मिनट्स तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे। इस तरह से मैंने 10 मिनट्स लो फ्लेम पे कुक कर दिया है। अब वापस इसे फ्लिप करेंगे और फ्लिप करने के बाद हम इसको आधे साइड में ग्रेट की हुई चीज़ डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधा क्यूब चीज़ डाला है। इस तरह आधा क्यूब डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ टमाटर। और वापस में जो आधा चीज़ क्यूब बचा था उसे वापस इस तरह ग्रेट कर दूंगी। ग्रेट करने के बाद इसे वापस लिड से क्लोज कर देंगे और इसे 2 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। टू मिनट्स हो गए हैं तो हम ओपन करके देखते हैं। ये देखो हमारा चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। और ये बनकर रेडी है। हम इसको एक सॉस के साथ या फिर मायोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। If you like this video, do not forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you.